अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ हमज़ा एहसान और आप मुझे फ़ेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आइंदा 48 घंटे बहुत अहम है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से पार्लियामेंट का मुशरिका इजलास तलब किया गया है। बैकग्राउंड पर क्या चीज़ें चल रही हैं और ये इजलास क्यों बुलाया गया, इस इजलास में क्या होने जा रहा है, बात करेंगे। मेरे साथ अतावर मान मौजूद हैं, जर्नलिस्ट हैं और सियासी सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। कुछ अंदर की खबरें भी इनके पास होती हैं क्योंकि ये फील्ड पर रहते हैं, हाई कोर्ट को कवर करते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में होते हैं और सीनियर जर्नलिस्ट के साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। तो कुछ इनसे अंदर की खबरें लेंगे कि ये जो मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है पार्लियामेंट का, ये क्यों बुलाया जा रहा है। वैसे जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो हुकूमत है या हुकूमती जो इतिहाद है, वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की एक्सटेंशन चाहता है। आइन में क्या तरमीम हो सकती है, क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है, या फिर वो जस्टिस चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ही हम ख्याल जस्टिस को लाना चाहते हैं ताकि वो आगे जो मामलात हैं अपनी मर्ज़ी से करवा सकें। तो इस मुश्तरका इजलास का मकसद क्या है और बैकग्राउंड पे क्या बातें चल रही हैं, हम जानेंगे तावर मान से। तावर मान, बहुत शुक्रिया आज आप हमारे पास आए। तो बताइएगा इस इजलास के हवाले से आपके पास क्या खबर है। बहुत शुक्रिया हमज़ा एहसान। देखें, इजलास से बात करने से पहले थोड़ा बैकग्राउंड में जाते हैं, पीछे जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहले मखसूस नशस्तों का एक मामला चल रहा था। आपने देखा होगा बहुत कोशिशें की कि ये मखसूस नशस्तें पाकिस्तान पीपल पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिले। और एक बात तो आपने सुना ही होगा कि काजी फैज ईसा के बेसिकली जो है वो प्लान वन था जिसमें मखसूस नशस्तें उन्होंने पीपल पार्टी और नून लीग को दे के अपने एक्सटेंशन जो है वो करनी थी, लेकिन ताकि कौमी असम्बली में उनकी तादाद ज़्यादा हो जाए। जी, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया और जितनी भी मखसूस नशस्तें थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल गई। 8-4 का जो फैसला आया था। जी, तो वो उनको मिल गया। इसके साथ साथ अभी प्लान बी जो है उस पर अमल दरामद हो रहा है। उसके आपने रिसेंटली मिसालें देखी होंगी, 2-3 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें थी जो नून लीग को दे दी गई, ठीक है, और उसमें तकरीबन 20 से 30 हज़ार वोट रिजेक्ट करके उनको दी गई। अब जो है वो प्लान बी पे जो है वो अमल जारी है इस वक्त, आप देख सकते हैं। और ये जो प्लान बी का हिस्सा है, ये भी यही जो है ये मुश्तरका इजलास बुलाया गया है सेनेट और कौमी असम्बली का। ये बुलाने का मकसद ये है कि इसमें जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को एक्सटेंशन मिले। अगर देखा जाए तो एक्सटेंशन की बात की जाए हमज़ा, तो इसमें ख़ासकर सेनेट में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नंबर वन है और बाकी और जगहों पे कर भी लिया तो सेनेट में जो है वो नंबर पूरे नहीं हो रहे। तो इसलिए आपने देखा कि कल रात को आसिफ अली जरदारी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात हुई। मुलाकात में वहाँ पे ये चीज़ें डिस्कस की गई, ठीक है, और बाकायदे तौर पे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये उनके 6 वोट दरअसल होते हैं JUI के। लेकिन मौलाना साहब ने तो मेरे ख्याल से माजरत कर ली थी उनके साथ चलने से और उनका ये मौक़िफ था कि हम काफ़ी दूर आ गए और अब हम आपके साथ नहीं चल सकते, इस तरह की खबरें थी। नहीं, मौलाना फजल रहमान साहब का ये है कि वो ये चाहते होते हैं, इनकी सियासत के ऊपर आप नज़र डालें तो जब तक आप उनको कुछ दे नहीं तो उस वक्त तक वो पीछे नहीं हटते। और मौलाना फजल रहमान का बड़ा अहम किरदार होता है। मौलाना फजल रहमान के पास 1 सीट हो, 2 सीट हो, 3 सीट हो, 4 सीट है, मौलाना फजल रहमान की ज़रूरत हर बंदे को पड़ जाती है। मौलाना फजल रहमान की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनसे भी फ़ायदा ले सकता है। ख़ासकर KP में आप देखें तो KP में उनका वोट बैंक वहाँ पर है तो वो वहां से भी ले सकता है। तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी आसिफ अली जरदारी साहब और मोहसिन नकवी साहब रात को मौलाना फजल रहमान साहब के पास गए, 2 सीटें मौलाना साहब की, अगर वो फॉर एग्जांपल शामिल हो भी जाते तो नंबर गेम पर क्या कोई असर पड़ेगा? नहीं, 2 नहीं, मौलाना फजल रहमान की बेसिकली 6 सीटें हैं। मौलाना फजल रहमान अगर उन 6 सीटों के साथ मिलती है तो उनको अपने नंबर्स पूरे करने में 8 सीटें दरकार होती हैं, तो फिर 2 बचेंगे तो वो बहुत ही नज़दीक आ जाएंगे। तो 2 तो आपको पता है कि पाकिस्तान में कानून की वैसी भी धज्जियाँ उड़ाई जाती है, तो वो किसी को आप खरीद के, किसी को आप पिघला के, किसी को आप उठा के भी कर सकते होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये जो इजलास है ना बड़ा अहम है। और नेक्स्ट वीक जो है ना वो ये जो मंडे आ रहा है, इस मंडे के बाद जो है वो अगले मंडे तक जो है हम एक सारी चीजें, कोई बिल भी पास हो सकता है इस इजलास में, कोई इस तरह की पॉसिबिलिटी है? बिलों की भी बातें हो रही है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। खासकर मैं मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपको बताऊं कि मुबारक सानी का जो केस था, मुबारक सानी का जो केस का फैसला, जब से काजी फैज ईसा ने जो एक फैसला दिया था और बाकायदे तौर पर कादियानी को
तबलीग की इजाज़त दी थी और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे तो उनसे सॉरी वो पीछे हट गए। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो अपने वोटर्स के लिए एक हीरो बन गए हैं खासकर है। तो मौलाना फजलुर रहमान जो है ना वो अब काजी फाइज ईसा ने जो ये जो फैसला दिया है, मैं आपको बड़ी अहम खबर बता रहा हूँ जी जी, फैसला ये जो मुबारक सानी का केस था इसकी हेलिंग्स मैं खुद सुन रहा था हमजा। तो उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान और एक और मौलवी था शबीर, उनकी फैसले से पहले काजी फाइज ईसा के साथ उसकी चैम्बर में मुलाकात हुई। मुलाकात में बाकायदे तौर पे पहले डिसाइड किया गया कि हमने फैसले क्या देना है, उसके बाद बाहर आके फैसला किया गया ठीक है। तो ये जो फैसला काजी फाइज ईसा ने दिया, क्यों दिया, काजी फाइज ईसा के पसीने क्यों छूट रहे थे, काजी फाइज ईसा इतने कंप्रोमाइज क्यों दिख रहे थे उस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, इससे पहले काजी की ऐसी कैफियत हमने कभी नहीं देखी थी। काजी की कैफियत क्यों थी मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए थी काजी फाइज ईसा एक्सटेंशन लेना चाहता है, एक्सटेंशन के लिए उसके लिए मौलाना फजल रहमान के जो वोट थे वो सेनेट में चाहिए थे ठीक है, और इसीलिए ये भी कहा। अच्छा मुझे ज़रा आपका जो मुबारक सानी का केस है इसमें जब हनीफ कुरैशी भी गए थे उनके साथ कोई तल्ख कलामी भी हुई थी, आप वहाँ पर मौजूद थे, वो क्या किस्सा था, हनीफ कुरैशी का क्या मौक़िफ़ था और वो किस बात पर उनकी तल्ख कलामी हुई थी? देखें मौलाना हनीफ कुरैशी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो है वो रोस्टरम पे आए, मैं वहाँ पे खुद देख रहा था सूरत हाल को, क्योंकि बहुत सारे मौलवी आते थे, 20 मौलवी थे तकरीबन ऐसे ही बात कर रहे होते थे। तो काजी फाइज ईसा ने उनको कहा कि आप नीचे बैठ जाएं, तो जिस पर कुरैशी साहब को कहा जी, तो उसने कहा मैं नहीं बैठूंगा मैं बात करूंगा। तो काजी फाइज ईसा ने कहा आप कौन हो, उन्होंने कहा मैं एक मुसलमान हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ जी हाँ। तो काजी फाइज ईसा ने मौलाना फजल रहमान को बुलाया और उनको कहा कि आप इनको बिठा दें। तो मौलाना फजल रहमान ने उनको कहा कि ये आपकी अदालत है। तो उस पर काजी की जो कैफियत बनी ना मैं आपको बता नहीं सकता हमजा। इससे पहले बड़े बड़े वकला आए हैं, बड़े बड़े लीडर आए हैं ठीक है, लेकिन वो डांट के वहाँ पे बिठा देता था। और मैं आपको बताऊँ सुप्रीम कोर्ट का जो सिक्योरिटी स्टाफ था वो भी हनीफ कुरैशी के नज़दीक नहीं जा सका है, हनीफ कुरैशी को कुछ नहीं कह सका है ठीक है। हनीफ कुरैशी ने अपनी पूरी बात की, उसके बाद वो जाके अपनी जगह पे उस वक्त बैठ गए। सूरत हाल क्या थी, जो कमरा अदालत थी एक सन्नाटा छाया हुआ था या कोई शोर शराबा चल रहा था? तो शोर शराबा भी चल रहा था, मौलवी जो है बाकायदे नारेबाजी कर रहे थे। भाई ये बहुत ही बड़ी ताकत है मौलवियों की, मुझे जो है ना मुजाहिद हैं और हाँ। जब बात खत्म नबूत पर आ जाती है तो फिर इस पर तो कोई कम्प्रोमाइज नहीं है, इस पर ये कोई उलमा इकराम या कोई मौलवी इसके फ्रंट लाइन पे जरूर वो होते हैं, लेकिन ये हर एक मुसलमान का फ़र्ज है कि वो इसका दिफा करे। और जिस तरह से मौलाना फजल रहमान और हनीफ कुरैशी साहब ने खत्म नबूत वाले केस को और ये जो मुबारक सानी का केस है इसको डिफेंड किया और जिस तरह से पूरे मुसलमानों की क्यादत की, सलाम पेश करते हैं हम इसको। अच्छा आगे चलते मजीद बात करेंगे जो लेकिन इसमें सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन इसमें एक बात और भी है, अभी तक जो मुबारक सानी केस है उसका तफसीली फैसला नहीं आया। तफसीली फैसले में क्या होगा, कौन से चीज़ों को हज़्फ़ किया जाएगा, उन्होंने तो कहा है कि जिन चीज़ों पर एतराज़ है वो किया जाएगा, हज़्फ़ किए जाएंगे, लेकिन अब तफसीली फैसला आएगा तो फिर पता चलेगा। और बहुत सारे मौलवियों से बात की गई तो उन्होंने भी ये कहा कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आता हम इस फैसले पे मुतमईन। अच्छा उस दिन जो तरनौल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा कैंसिल किया गया उसकी भी यही वजह बताई जा रही है कि क्योंकि वो फैसला आना, तो खुदा न खास्ता अगर फैसला जो है वो हक में आ जाता उनके तो फिर ज़ाहिर है पूरे मुल्क में एहतजाज होता हो, तो फिर सिक्योरिटी की सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है और मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए इमरान खान को कन्वेंस किया गया जी आप जो है वो जलसा कैंसिल कर लें। चले आगे बढ़ते हैं, एक और जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस हवाले से भी हम आपसे तफसीलात लेंगे। मशाल यूसुफ जई साहिबा को कोर कैबिनेट से निकाल दिया गया है, इसकी क्या वजह है? देखिए मशाल यूसुफ जई है जो है ना वो सियासत में जो है ना वो मुदाखलत कर रही थी केपीके में, आप देखें पंजाब में वो कोर कैबिनेट का हिस्सा थी, तो वो मुदाखलत नहीं करेंगी क्या? नहीं वो है असल में बुशरा बीबी के लिए मुकरर की गई है आपको पता है, और वज़ीर-ए-आला की मशीर भी थी, लेकिन उनको सियासत में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी गई थी ठीक है, और वो मुदाखलत कर रही थी पंजाब में जाके मुदाखलत करना, खासकर जो सदर चेंज हुआ पंजाब का उसमें मशाल सुजय का एक बहुत बड़ा किरदार रहा ठीक है। तो वो सियासत खेल रही थी, तो सियासत खेल रही थी तो फिर बुशरा बीबी भी गुस्सा हो गई अडियाला जेल में,
और उन्होंने कहा इसको किसने कहा है कि आप जो है वो सियासत करें, ठीक है, तो उस पर हाँ जी, तो उस पर इमरान खान ने जो है वो मशाल यूसुफजई को एक महीने के लिए मुअत्तल किया गया किया है और कहा है कि एक महीने में इसका रवैया देखा जाएगा, उसके बाद फिर ठीक है। अच्छा, पंजाब से हमाद अजहर साहब ने भी इस्तीफ़ा दिया है, रिज़ाइन दिया है, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ट्वीट भी किए, मतलब, और उमर यूसुफ साहब कहते हैं कि हम इनका इस्तीफ़ा नहीं मांगते, तो क्या यही वजह थी जो मुदाखलत थी मशाल यूसुफ साहिबा साहब की पंजाब के अंदर, और जो सदर चेंज किए गए थे, क्या उनके जो इस्तीफ़ा दिया हमाद अजहर ने उसके पीछे भी यही वजह थी? देखिए, हमाद अजहर के लिए मशाल यूसुफजई कुछ भी नहीं, आप मशाल यूसुफजई को इतना बड़ा पहाड़ भी ना बनाए, नहीं, क्योंकि सदर चेंज कर दिया गया पंजाब का, उसमें बस रोल था, उसमें बहुत सारे लोग हैं इनकी पार्टी में, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पंजाबी ग्रुप, पठान ग्रुप, उधर आके शेर अफजल ग्रुप, उमर अयूब ग्रुप, उमर अयूब एंड शिपली फराज ग्रुप, दूसरी साइड से वो क्या कहते हैं अजहर मशवानी ग्रुप जी, वो अफरीदी वाला अलग ग्रुप, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, तो ये तो आप नहीं कह सकते। लेकिन जो सबसे अहम ग्रुप्स हैं जिसकी कौमी सतह पर बात भी हो रही है, वो भाभी और नंद वाला ग्रुप है मेरे ख्याल से, वो बड़ा स्ट्रांग ग्रुप है और उस पर बातें भी हो रही हैं, और जो उनके सियासी हरीफ हैं वो उस बारे में बात भी कर रहे हैं कि भाभी और नंद का ग्रुप बड़ा ख़तरनाक ग्रुप है। आगे चलते हैं, आखिरी खबर आज जो कि बड़ी अफसोसनाक भी है, अगर मैं बताऊँगा पहले, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो नंबर वन हुआ करती थी, और मुझे बड़ा अफसोस होता है रमीज राजा जैसे शख्स को, रमीज राजा जैसे क्रिकेटर को, कमेंटेटर को, जिसको क्रिकेट के ऊपर उबूर हासिल है, उसको निकाल के मोहसिन नकवी जैसे टट्टू आदमी को ऊपर बिठाया गया है, क्रिकेट का जो हशर किया गया है वो नहीं देखा जा सकता। हमजा बताएगा क्या प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी साहब ने ये नहीं कह दिया कि ये आपका विजन है प्राइम मिनिस्टर साहब, इफ सर यही आपका विजन है, मैं बता रहा हूँ, वो कहते हैं यही आपका विजन है, आप अरशद नदीम जो है वो वहाँ पे वो कर रहा था ओलंपिक्स में, ठीक है, तो आप बंदे को पीछे खड़ा करा के, ठीक है, छुपा के, जो आपके कैमरे में बाकायदे तौर पर दिख भी रहा है, बेशर्मो बेहया हो, अगर आपने एक्टिंग करना है तो थोड़ी ढंग की क्या करो, आप ऐसी एक्टिंग करते हो जो अब शहबाज शरीफ को देखो वीडियोस में चलते हुए भी हाथ इस तरह करता है, यार आप कॉपी ना करो, ठीक है। और दूसरी चीज मैं क्रिकेट टीम के हवाले से आपको बताऊं, खासी अच्छी, बहुत अच्छी क्रिकेट टीम जा रही थी, बहुत ही खूबसूरत खेल रहे थे, इन्होंने खुद ही ग्रुपिंग बना के खुद ही प्लेयर्स को आपस में लड़वा के उस टीम का आज आप देखो, आज ये बांग्लादेश आपको घर में घुस के मार रहा, और कल को ये जो है ना वो अबू जहबी से भी हारेगी, ये जिम्बाब्वे से, तो ये वैसे भी हारती है। मुझे बात समझ नहीं आती है, ठीक है पिच जो है वो टेस्ट मैचेस 5 दिन होते हैं और वो पिच डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, एक रेगुलर स्पिनर तो लाजमी होना चाहिए थे इनके पास, वो भी इन्होंने नहीं खिलाया और जिस वजह से वो बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स नाकाम हुए। बहरहाल इसमें जो मैनेजमेंट है नाकाम है, आप स्पिनर को छोड़ो, आप जिस किसी को भी डालो, आप मैनेजमेंट को कुछ जस्टिफिकेशन दिए, लेकिन मैं उस जस्टिफिकेशन से मुतमईन नहीं हुआ। मैं आपको मोहसिन नकवी का बताऊँ, मोहसिन नकवी ने एक चैनल बनाया, उसको वो नहीं चला सके, उसका बेड़ा उसने गर्क कर दिया, ठीक है, उसके बाद उसको निगरान जो है ना वो वज़ीर आला बनाया पंजाब का, वहाँ पे उसने बेड़ा गर्क कर दिया, ठीक है, उसके बाद अभी वज़ीर दाखला बनाया, उधर भी बेड़ा गर्क है, वज़ीर दाखला भी है, वो सेंटर भी है, वो चेयरमैन भी है, अभी हालांकि उनका किसी जमात से ताल्लुक भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, गैर पार्टी, अभी चेयरमैन पीएससी भी बनाया, वहाँ पे भी क्रिकेट का बेड़ा गर्क है, तो बस ये बंदे जहाँ पे भी, जहाँ इसको खजाने के ऊपर भी बिठा दो तो वहाँ पे भी गर्की ही है भाई। बहुत शुक्रिया तारमान, बड़ी डिटेल से डिस्कशन की, और आइंदा वाले आइंदा के जो 48 घंटे हैं, क्योंकि 2 दिन ये इजलास कंटिन्यू रहेगा, बड़ा अहम होगा, बिल भी पेश हो सकती हैं, तरमीम भी हो सकती हैं इनके अंदर, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इस वतन का हामी व नासिर हो, और जो भी फैसला हो अल्लाह पाक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से जो फैसला करवाए वो इंसाफ पर मबनी हो, और वो खुद भी ट्वीट में कहते हैं कि अल्लाह पाक मुझे कोई ऐसा फैसला ना करवाए, देखते हैं कि वो अपनी इस ट्वीट पर कितना कायम और दायम रहते हैं।